नमस्कार, मैं हूं शिवानी। रूबरू बिहार में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार के सभी पेंशनर्स को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए हर साल नवंबर में वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए सभी पेंशन भोगियों को अगले महीने इसे जमा करने की तैयारी करनी होगी। खासकर 80 साल और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार ने 1 अक्टूबर से ही यह प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा दी है। अब हम बात करेंगे जीवन प्रमाण पत्र क्या है। तो जीवन प्रमाण पत्र एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है जो आधार और बायोमेट्रिक तकनीक पर आधारित है। यह एक वैध प्रमाण पत्र है जिसे आईटी एक्ट के तहत मान्यता प्राप्त है। इसका उपयोग पेंशनर्स द्वारा यह साबित करने के लिए किया जाता है कि वे जीवित हैं और उन्हें पेंशन मिलती रहे। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को जमा करने के लिए कुछ आवश्यकताएं हैं, जैसे कि स्मार्टफोन। आपके पास कम से कम 5 MP फ्रंट कैमरा वाला स्मार्टफोन होना चाहिए जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी हो। दूसरा, आधार नंबर। आपका आधार नंबर पेंशन वितरण प्राधिकारी जैसे बैंक या पोस्ट ऑफिस के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। तो अपने फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर से आधार फेस RD और जीवन प्रमाण फेस ऐप डाउनलोड करें। दूसरा, ऑपरेटर की सहायता से अपनी पहचान सत्यापित करें। तीसरा, पेंशनर्स की सभी जानकारी भरें। चौथा, फ्रंट कैमरे से अपनी फ़ोटो लें और उसे सबमिट करें। पांचवा, आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS आएगा जिसमें डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का लिंक होगा, उसे डाउनलोड करें और सबमिट करें। एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तारीख। आमतौर पर वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर होती है। यह तारीख तब तक नहीं बढ़ती जब तक सरकार इसे ना बढ़ाए, लेकिन 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स अब 1 अक्टूबर से ही अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर रहे हैं जो अगले साल 30 नवंबर तक वैध रहेगा। समय पर जमा न करने पर क्या होगा? तो यदि अंतिम तारीख तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया जाता है तो पेंशन का भुगतान रुक जाएगा। हालांकि अगर इसे कुछ महीनों बाद जमा किया जाता है तो पेंशन फिर से चालू हो जाएगी और सभी बकाया भी मिलेंगे, लेकिन यह तभी संभव है जब लाइफ सर्टिफिकेट 3 साल के भीतर जमा किया जाए। यदि 3 साल से अधिक समय बीत जाता है तो पेंशन का पुनः भुगतान करने के लिए CPAO सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस से मंजूरी की आवश्यकता होगी। फेस ऑथेंटिकेशन के लाभ। फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्राप्त करने के कई फायदे हैं। पहला, यह प्रक्रिया अधिकांश एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स पर काम करती है। दूसरा, इसे घर बैठे आसानी से किया जा सकता है बिना किसी अतिरिक्त बायोमेट्रिक डिवाइस की आवश्यकता के। तीसरा, पेंशनर्स को बैंक जाने की जरूरत नहीं होती है। चौथा, यह उन पेंशनर्स के लिए भी उपयुक्त है जिनके फिंगरप्रिंट घिस गए हैं या जिनकी आंखें कमजोर हैं। और इस प्रकार जीवन प्रमाण पत्र जमा करना न केवल पेंशन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है बल्कि यह पेंशनर्स की सुविधा के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद धोखेबाजों से कैसे बचें? तो सरकार ने स्पष्ट किया है कि जीवन प्रमाण पत्र के संबंध में कभी भी WhatsApp या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जानकारी नहीं मांगी जाती है। इसीलिए पेंशनर्स को सलाह दी जाती है कि वे सोशल मीडिया पर आए किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें और अज्ञात अटैचमेंट्स को डाउनलोड ना करें। कभी भी WhatsApp के जरिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक खाते का विवरण या PPO नंबर साझा ना करें। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी जानकारी की सुरक्षा पर ध्यान दें। यदि आपको जीवन प्रमाण पत्र के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हमेशा अपने बैंक या आधिकारिक CPAO वेबसाइट से संपर्क करें। याद रखें, सतर्क रहना ही सुरक्षा है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।